उत्तराखंड में आईटीबीपी के कमांडो सेंटर, जहाँ पर कमांडोज की ट्रेनिंग होती है। बानू हरियाणा, जहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग होती है। कमांडो ट्रेनिंग में जंगल में दुश्मन का सामना करना, एक गोली एक दुश्मन की पात्रता सिखाई जाती है। नक्सल विरोधी अभियानों, गुरिल्ला वार में बहुत अच्छा साबित होने के लिए इस प्रकार की कुछ विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही हिमवीरों को बर्फीली चोटियों में चलने के लिए ओली उत्तराखंड में माउंटेनिंग एंड स्किल्स सेंटर सिखाए जाते हैं। आईटीबीपी कमांडो में महिला हो या पुरुष, दोनों को ही कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी की महिलाओं की भारत चीन सीमा पर कई जगह चौकियां होती है, जिसमें निगरानी महिलाओं के द्वारा की जाती है। आईटीबीपी की महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का नमूना पेश करते हुए ड्यूटीज के लिए लद्दाख से अरुणाचल तक के भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करता है। हिमालय की इस चोटियों को अपनी हिम्मत से ललकारता है हिमवीर। हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ साथ देश के अन्य कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि कई राज्यों में आईटीबीपी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधक, तिब्बत से जुड़े इलाकों में आने वाली आपदाओं से जनमानस को बचाने के लिए आईटीबीपी सदैव तत्पर रहता है। दोस्तों, आईटीबीपी की ड्यूटियों में नक्सल विरोधी ड्यूटियां भी होती है, साथ में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के सामने ड्यूटीज होती है। आईटीबीपी छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में नक्सल विरोधी गतिविधियों में भी अपना काम बखूबी करता है और अपना कई बार नाम कमा चुका है। आईटीबीपी अपनी ड्यूटीज के दौरान